हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दूध वाली सेवई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध और इसको मैं गर्म करने के लिए रख रही हूँ। जब तक ये दूध गर्म हो रहा है, हम दूसरी साइड पर जो हमारे पास घी है उसको गर्म करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितना घी लिया है, 2 खाने की चम्मच। इसके अंदर यहाँ पर मैं मिक्स मेवा ऐड कर रही हूँ। बादाम है और काजू है, थोड़े से अखरोट भी है इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसको हम एक साइड में निकाल लेंगे। इसी घी के अंदर यहाँ पर मैं जो सेवई है उसको भी फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है इसको। इसके बाद इस सेवई को मैं, जो दूध गर्म हो चुका है, हमारा दूध उबल गया है, यहाँ पर मैं सेवई को इसके अंदर ऐड करूँगी घी के साथ ही। जो इसके अंदर थोड़ा सा बचा हुआ घी है उसको भी इसके अंदर ही मैं ऐड कर दूँगी। इसके साथ यहाँ पर मैंने 6 खाने की चम्मच चीनी ली है, इसे ऐड कर रही हूँ मैं। और जो हमारे फ्राइड किए हुए नट्स हैं उसे भी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। चीनी कम या ज़्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं इसके अंदर। सबसे आखिर में मैंने इलायची पाउडर डाला था, ये सीम कर चुका है, लेकिन यहाँ पर आप इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। और ये जो है हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। यहाँ पर हमारी दूध वाली सेवई बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।